हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट चैम्पियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर के या बीए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आपका राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होगा, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिर बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या आएगा, और अंतिम में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, थोड़े वीडियो को आगे कर लीजिए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ये पेपर कितने नंबर का आएगा। तो ये पेपर आएगा 150 नंबर का, ठीक है? दो भागों में बटा होगा। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब आपको जो थ्योरी का पेपर आएगा, प्लस आपका जो 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास होने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए, मतलब टोटल 60 अंक चाहिए इस एग्जाम को पास होने के लिए। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाते हो तो आप बैक लग जाएगी, या फिर आप अगर दोनों सब्जेक्ट में पिछली बार भी अगर फेल हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप फेल भी हो सकते हो। इसमें से आपको 40 नंबर थ्योरी में चाहिए पास होने के लिए, प्लस 20 आपको जिसमें से आपको टोटल 60 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, मतलब आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। ये सबसे ध्यान रखने योग्य बात है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी MCQ आए थे या कुछ, तो वो नहीं आएंगे, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर है उसको पार्ट 3 पार्टों में बांटा जाएगा। पार्ट फर्स्ट में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में, ठीक है? अब देखो क्या होता है, पार्ट ए में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, मतलब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे 10, मतलब 10 देखे रखेंगे, 10 10 ही करना पड़ेंगे आपको, और हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार कुल आपके कितने अंक हो गए, 20 अंक हो गए। वैसे ही आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं वो टोटल आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और आपको सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपको, और हर क्वेश्चन है वो 5 अंक का होगा, तो ये भी 20 अंक के हो गए। तो पार्ट फर्स्ट में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 20 नंबर के, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 20 नंबर के, इस प्रकार कितने नंबर हो गए, 40 नंबर हो गए। फिर आपका आएगा पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपको 4 यूनिट आएंगी, और हर यूनिट में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल कितने अंक हो गए, 80 अंक हो गए। तो ये पार्ट ए है वो 40 अंक का, और पार्ट बी है वो 80 अंक का। तो इस प्रकार कुछ आपको कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 120 नंबर लाने पड़ते हैं। तो ये है एग्जाम का पैटर्न। अब अपन बात करेंगे सिलेबस की। सबसे पहले तो सबसे पहले आपके यूनिट फर्स्ट में जो प्रश्न आते हैं वो किससे संबंधित आते हैं, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, मनु कौटिल्य और शंकराचार्य, इनके जो किताबें लिखी गई है, इनके क्या क्या राजनीतिक विचार रहे, इनके संबंधित प्रश्न आएंगे आपके यूनिट फर्स्ट में। फिर बात करें अपन यूनिट सेकंड की, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबाई फुले और स्वामी विवेकानंद, मतलब राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबाई फुले और स्वामी विवेकानंद, तो इससे संबंधित आपके जो इनके जो राजनीतिक विचार थे वो वाले प्रश्न आएंगे। फिर बात करें अपन यूनिट नंबर थर्ड की, तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब प्रश्न आएंगे। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के क्या राजनीतिक विचार रहे, बाल गंगाधर तिलक के क्या राजनीतिक विचार रहे, और महात्मा गांधी के क्या राजनीतिक विचार रहे। फिर यूनिट नंबर 4 में भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार, मनवेंद्र नाथ रॉय के, जयप्रकाश नारायण के, और दीनदयाल उपाध्याय के, तो इन सबके क्या आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो ये आपका सिलेबस जो कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है? आपको 12 नंबर इंटरनल एग्जाम में चाहिए पास होने के लिए, और 48 नंबर मिनिमम आपको थ्योरी में चाहिए पास होने के लिए। तो ये था सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब बात करेंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति और कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति और कार्य क्षेत्र में मनु के क्या क्या विचार रहे, इससे संबंधित आपको प्रश्नों को करना है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है, मैंने इस पेपर का आपको बता देता हूँ, पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, मात्र आप 69 रुपीज़ दे के पूरा का पूरा कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे 7737311569 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड कोर्स देखने के लिए।
अब बात करते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य के अंतर राज्य संबंध मंडल व सप्ताह सिद्धांतों का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है इन प्रश्नों में। फिर आपको बात करें शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब शुक्र के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी उसके क्या आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। फिर बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचारों की मूल्यांकन कीजिए, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रमुख जो जो विचार दिए गए उनके राजनीतिक मूल्यांकन करना आपको। फिर बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तिलक के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से राजनीतिक विचार दिए गए उन पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर बी नंबर क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं दलितों के उत्थान का भीमराव अम्बेडकर के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, तो भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय व दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उन्होंने, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकतांत्रिक समाज पर नेहरू के विचारों का सविस्तार उल्लेख कीजिए, तो लोकतांत्रिक समाज में नेहरू के विचारों का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा वो बात करनी है। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टिप्पणी करनी है आपको किस पे, संपूर्ण क्रांति पर, ट्रस्ट शिप जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था उस पर, MN राय के ऊपर। ठीक है, अब बात करें छोटे वाले क्वेश्चनों की तरफ। मनु के अनुसार राज्य के दो कार्य, तो मनु के अनुसार राज्य के दो कार्य क्या रहे उन पे बात करनी है। 2 नंबर क्वेश्चन है गोखले के प्रमुख राजनीतिक आर्थिक विचार। 3 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार संबंधी विचार। 4 नंबर क्वेश्चन है MN राय एवं मानवतावाद व तिलक के विचार, तो MN राय के नवमानवतावाद के विचार। 5 नंबर क्वेश्चन है तिलक के अनुसार राजनीतिक विचार। 6 नंबर क्वेश्चन है मनु की। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका महत्वपूर्ण है वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचार। 8 नंबर क्वेश्चन है JP नारायण के अनुसार क्रांति के साधन, तो JP नारायण ने कौन से क्रांति के साधन बताए वो बताना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है पंचशील के 5 सिद्धांत, तो पंचशील के 5 सिद्धांत क्या रहे वो बात करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध में 2 तर्क दिए गए उन पर बात करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजनीतिक विचार। 12 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा व सत्याग्रह। 13 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रति भीमराव अम्बेडकर के विचार। 14 नंबर क्वेश्चन है गोखले का विषय नमति। 15 नंबर क्वेश्चन है शुक्र नीति में वेतन निर्धारण के आधार, मतलब किस आधार पर वेतन दिया जाता था शुक्र नीति में। 16 नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग। 17 नंबर क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के प्रमुख धार्मिक विचार। 18 नंबर क्वेश्चन है तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा योजना। 19 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के पक्ष में क्यों थे, आपको ये बताना है। और 20 नंबर क्वेश्चन है यार ये समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई। अब बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मनुज व्यू ऑन द ओरिजन ऑफ द स्कोप ओरिजन एंड द स्कोप द स्टेट, तो डिस्कस करना आपको मनु के क्या क्या विचार रहे जो स्टेट के ओरिजन के ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट कौटिल्य इंटर स्टेट रिलेशनशिप मंडल एंड सप्तांग सिद्धांत, तो मंडल व सप्तांग सिद्धांत पर आपको बातें करनी है। अब बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली एग्जामिन द सुकराज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू द पर्सनल सिस्टम, तो आपके जो शुक्र के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको पर्सनों पर बात करनी है। अब बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएट द मेन आइडिया ऑफ दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचारों पर आपको बातचीत करनी है। अब बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द तिलक पॉलिटिकल आइडियाज, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो राजनीतिक विचार दिए गए उन पर बात करनी है। 2 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट हिज व्यूज ऑन द सोशल जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करेगी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको बात करनी है। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेंशन नेहरूज व्यू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन डिटेल, तो नेहरू के द्वारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर बात करी उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है। अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने किस पे, टोटल रिवॉल्यूशन पे, ट्रस्ट शिप पे, न्यू ओमनिज्म ऑफ MN रॉय। अब बात करें 2 फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द मनु, मनु के द्वारा 2 स्टेटों पर आपको बातचीत करनी है। अब बात करें मेजर इकोनॉमिक आइडिया ऑफ गोखले, गोखले के मेजर इकोनॉमिक आइडिया पर आपको टिप्पणी करनी है। अब बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सोशल रिफॉर्म ऑफ द राजा राजा राम
महरानी। चार नंबर क्वेश्चन है न्यू ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन रॉय, तो एम एन रॉय के द्वारा न्यू ह्यूमनिज्म की बात करेंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पांच नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू तिलक, तिलक के अनुसार के राजनीतिक विचार। छठा नंबर क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ मनुष्य सद्गुण नीति, तो सद्गुण नीति पर आपको टिप्पणी करनी है। सात नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्रवाद क्या था इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आठ नंबर क्वेश्चन है जी मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पी नागायन के द्वारा। नौ नंबर क्वेश्चन है फाइव प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पंचशील के पंच सिद्धांतों पर बात कीजिए। दस नंबर क्वेश्चन है टू आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द आइडल वर्कशिप ऑफ दयानंद। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। बारह नंबर प्रश्न है अहिंसा सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी। तेरह नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव व्यू अकॉर्डिंग टू आर्ट बुद्धिज्म। चौदह नंबर क्वेश्चन है गोखलेज विल। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है बेसिक ऑफ सैलरी डिटर्मिनेशन इन द शुक्र नीति, तो शुक्र नीति में क्या बेसिक डिटर्मिनेशन था उस पर बात करनी है। सोलह नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कोटिलेज ऑर्गन्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। अब बात करें सत्रह नंबर क्वेश्चन की तरफ मेजर रिलीजियस व्यू ऑन दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती के मुख्य रिलीजियस व्यू पे बात करनी है। अठारह नंबर क्वेश्चन है तिलक नेशनल एजुकेशन प्लान। उन्नीस नंबर क्वेश्चन की बात करें वाई वाज राजा राम रॉय इन फेवर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज पर राजा राम मोहन राय के पक्ष में क्या थे। और दो नंबर क्वेश्चन है वेहन एंड वेयर वाज आर्य समाज स्टेबलिश, तो आर्य समाज कहाँ स्टेबलिश था इस पर आपको टिप्पणी करनी है।